आज हमारे को अगर गोली मारी गई तो हम देशवासियों से आह्वान करते हैं कि वो हमारी जगह इस मिशन को आगे बढ़ाएं। अमित शाह साहब ने जिस तरीके से हमें बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी बंधक बना के रखा है। होने नहीं देंगे हम चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। रोकने के लिए अमित शाह साहब को गोली चलवानी है, गोली चलवा ले। लाठी चलवानी है, लाठी चलवा ले। ईवीएम जो मशीनें हैं उनको दिखाएं कि इससे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, इससे देश की संविधान की हत्या की जा रही है। अगर आज हम अरेस्ट हो गए या गोली मार दी गई तो वो अलग बात है। ये अमित शाह साहब बनवाएंगे और कौन मारेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरियर, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी आप देख सकते हैं ये मार्च जो है वो शुरू हो चुका है, पैदल मार्च, और पुलिस जो है वो उन्हें घेरना शुरू कर चुकी है। उन्हें डिटेन करने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो दिखाई दे रही है। हम आपको सीधी बातचीत कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है भानु प्रताप और महमूद प्राचा जो है वो इस मार्च में आगे बढ़ रहे हैं, पैदल मार्च जो है। और पुलिस भी, पुलिस से कुछ बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिखा रहे तस्वीरें हम आपको, क्या आएगा रिजल्ट? आएगा और रिजल्ट बढ़िया आएगा। देश की जनता इस बात को समझने लगी है कि इस देश में उसके मत को लूटा जा रहा है, उसके संवैधानिक अधिकार के साथ में जबरदस्त लूट हो रही है, छीना जा रहा है। हम किसी भी हालत में ये होने नहीं देंगे, जनता को समझ में आ रहा है। सर, आपको जो उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं रहा है। ईपीएम और पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं हमें किसी भी हालत में रोकने की, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है। चुनाव आयोग हमें 50-50-50 ईवीएम देना चाहती है। अमित शाह साहब ने जिस तरीके से हमें बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी बंधक बना के रखा है। हम ये बंधक नहीं बनने देंगे चुनाव आयोग को। हम ईवीएम लेंगे, किसी हालत पे लेंगे, हर हालत पे लेंगे, और चुनाव किसी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये हमारा देश से वादा है। पूरी दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा पाएगी, हम ये देश से वादा करेंगे। कोई नहीं, अभी 50 मीटर भी नहीं हुए। लेकिन सर, यहाँ पे आपने देखा आज जिस तरीके से आप सड़कों पे उतरे हैं, उस तरीके से पुलिस यहाँ पे काफी एक्टिव नजर आ रही है। गठबंधन के पुलिस, अगर मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल बंद कर दें तो देश की जनता उन्हें एक भी वोट नहीं देगी। इसीलिए तो ईवीएम से इलेक्शन जीतते हैं वो, ईवीएम से इलेक्शन जीतते हैं वो, कोई जनता से इलेक्शन नहीं जीतते हैं वो। ये समझ लीजिए बात। आज हम देश की सारी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, आप लोग ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना, क्योंकि ईवीएम सबसे बड़ा धोखा है। अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो मोदी जी इस देश का पुलिस राज बना देंगे, इस देश की सब अर्थव्यवस्था लूट के अडानी के हाथ में दे देंगे, पूरे देश को लूट के खा जाएंगे आरएसएस और बीजेपी वाले लोग। बहिष्कार क्यों करेंगे? होने नहीं देंगे हम चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। जहाँ तक जाने देंगे, ठीक है। जनता आंदोलन करेगी, जन आंदोलन देश में होगा। तो विपक्ष के तौर पर जनता को आप मान रहे हैं? विपक्ष के तौर पर मैं तो कह चुका कि विपक्ष जनता है, हम विपक्ष हैं, हम लड़ेंगे जनता की लड़ाई। चुनाव आयोग मिलने की अनुमति नहीं दिया था इंडिया गठबंधन को आपसे मिलने की। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। लोगों के प्रतिनिधियों से मिलने में क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को? सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जिन्होंने सिटीजन कमीशन और इलेक्टर रिपोर्ट ईवीएम और वीवीपैट पे जो मनाई है, उसमें 6,500 लोगों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, सोशल एक्टिविस्ट सारे के, और सेना के जनरल तक के जो लोग हैं, ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, अगर उन सबसे भी 6,500 लोगों को मिलने का समय नहीं दे रहा, तो इलेक्शन कमीशन मोदी की तरह तानाशाह बना हुआ है। ये देश की जनता किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। वो पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक के लोगों से नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन के लोगों से नहीं मिलेगा, इन सिविल सोसाइटी के लोगों से नहीं मिलेगा। हम जा रहे हैं, देखते हैं मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कुछ उम्मीद करते हैं वो इसमें? भाई हमने कह दिया हमारी अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जनता की लड़ाई है, जन आंदोलन से ही लड़ी जाएगी, जीती जाएगी। कि हम लोगों को 50 ईवीएम की मशीनें दे दी जाए और हम एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है
क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने हमें मना नहीं किया, चिट्ठी लिख के हमने 1 तारीख को चिट्ठी लिखी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने वो 50 EVM की मशीनें सील करके हमारे लिए तैयार रखी होंगी, और शायद इसी से डर के अमित शाह साहब ने पुलिस भेजी है कि चुनाव आयोग हमें वो मशीनें दे ना दे और उनकी पोल ना खुल जाए। तो आप ये पुलिस को देख सकते हैं कितनी पुलिस आई है। अभी तक कल हमें पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी कि आपकी ने जो परमिशन मांगी थी वो कैंसिल कर दी गई। हमने कोई परमिशन मांगी नहीं थी, हम कोई प्रदर्शन या धरना करने जा ही नहीं रहे। हमारा तो चुनाव आयोग से एक वार्तालाप चल रहा है, हमने चिट्ठी लिखी उन्हें और उन्होंने मना नहीं किया हमें कि हम 50 50 50 आपको EVM दे देंगे, और हम एक डेलीगेशन बना के जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे, ये भी चिट्ठी हमें लिख के दी। अब धारा 144 में आप देख लीजिए कितने लोग घूम रहे हैं, धारा 144 ऐसे लगी नहीं सकती, कोई ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने हमें। यहाँ बस स्टैंड पे देख लें आप 4-5 लोगों से ज़्यादा खड़े हैं। तो हम ऐसा करेंगे, हम 4-4 लोग एक एक मीटर का गैप बना के जाएंगे, और चुनाव आयोग ने जो हमारे लिए 50 मशीनें तैयार रखी हैं वो हम उनसे लेके और जल्दी अलग अलग शहरों में उसको करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति होती या किसी भी नागरिक को कोई आपत्ति होती तो हमें बताता, क्योंकि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेने। तो लेकिन मुझे लगता है अमित शाह साहब बहुत डर गए हैं, उनको ये खतरा हो गया है कि कहीं चुनाव आयोग के अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे जो EVM मशीनें हमें दे देंगे। अगर EVM मशीनें हमें अमित शाह साहब ने नहीं रोका देने से चुनाव आयोग को, तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये EVM कितना बड़ा धोखा है। इसलिए EVM हटाओ, देश बचाओ, EVM हटाओ, संविधान बचाओ, EVM हटाओ और देश की डेमोक्रेसी बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ। भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, हमारे सारे साथी हमारे साथ हैं। अभी हम यहाँ पीसफुल तरीके से चल के जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से वो अपनी 150 मशीनें हासिल करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि इसके कुछ पैसे भी चाहिए उन्हें, तो हम वो पैसे भी तैयार रख के लाए हैं। आज देश की डेमोक्रेसी में देखिए अमित शाह साहब डर गए, मुझे यही लग रहा है। ये पुलिस भेजने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं बताया कि इनको मना किया है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बोला है कि यहाँ मत आने दीजिए, और हम कोई यहाँ पे जाके कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर ही नहीं रहे, हम कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे, हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने की ठानी नहीं है। हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है छोटा सा, और वो डेलीगेशन ज़रूर जाएगा। रोकने के लिए अमित शाह साहब को गोली चलवानी है गोली चलवा लें, लाठी चलवानी है लाठी चलवा लें, और कोई कार्रवाई करनी है कर लिए, लेकिन ये देश की डेमोक्रेसी, ये देश को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, खतरे में नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐलान है, आज हमारे को अगर गोली मारी गई तो हम देशवासियों से आह्वान करते हैं कि वो हमारी जगह इस मिशन को आगे बढ़ाएं, EVM जो मशीनें हैं उनको दिखाएं कि इससे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, इससे देश की संविधान की हत्या की जा रही है, ये पूरी दुनिया को दिखाएं। अगर आज हम लोग शहीद हो जाते हैं तो मैं ये अपनी वसीयत करके हम लोग आज जा रहे हैं यहाँ से, अगर हमें आज गोली मारी जाती है तो देश इस बात को उठाए आगे। कल जनजन प्रदर्शन होगा, ऐसा ये कल के लिए पूछ रहे हैं, कल जनता मंत्र को होगा ये। अगर 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 एक देश बचाओ, अगर एक मिनट आपको ऐसा क्यों लग रहा है गोली चलेगी? मैं देखिए अमित शाह, इलेक्शन कमीशन ने इन्हें नहीं रोका है, ये पुलिस रोक रही है हमें, इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रही है हमें, ये पुलिस अमित शाह साहब की पुलिस रोक रही है। और अगर आज लोग हम जिंदा रहे तो कल आपको 12 बजे हम सब लोग जंतर मंतर पे मिलेंगे, कल ठीक 12 बजे। या अगर आज हम अरेस्ट हो गए या गोली मार दी गई तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सभी लोगों से गुजारिश है कल से बड़ा आंदोलन जंतर मंतर से शुरू होगा, और सभी लोग जंतर मंतर कल 12 बजे पहुंचे। ये अमित शाह साहब बनवाएंगे और कौन मारेगा इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया देने से अभी तक। जी ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं है कि 50 EVM आपके लिए सील करके रखी हुई होंगी उन्होंने? नहीं नहीं, मना करते ना हमने 1 तारीख से एक, और ये पुलिस क्यों भेजी फिर? हम इलेक्शन कमीशन शांतिपूर्ण ढंग से जाते वो हमें मना कर देते कि नहीं हम नहीं देंगे, ये पुलिस से क्यों रुकवा रहे हैं हमें? इससे हमें पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन शायद मशीनें देना चाहता। लेकिन सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है आपकी डिमांड की, 50 मशीनें आपके लिए 19 लाख मशीनें, भानु जी आपको 50 बार नहीं 100 बार बता चुके हैं, 19 लाख मशीनें चोरी जरूर हो सकती हैं, हमको 150 मशीनें नहीं देंगे? क्यों लगता है आपको ऐसा? इलेक्शन कमीशन ने जब 19 लाख मशीनें चोरी होने के बाद भी FIR नहीं कराता तो 150 मशीनें देने में क्या हम तो पैसे देने को भी तैयार हैं?
को। ये देखिए जनता की आवाज है, पॉलिटिकल पार्टीज भी जनता का हिस्सा है। अगर ये जनता की आवाज जितनी मुखर होगी पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ आएंगी। हमें उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उतनी कंसर्न है जितनी देश की जनता। लेकिन ये शुरुआत देश की जनता को करनी थी, जनता ने आज शुरुआत कर दी है अपनी जान हथेली पे लेके। अब बाकी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, नहीं जाने देंगे, गिरफ्तार कर लें। पुलिस की बस आ गई अभी, आप देख सकते हैं डिटेन की जो है प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस जो है वो डिटेन करना शुरू कर चुकी है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर ईवीएम को लेकर जो मांग है वो सड़क पर चल रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।